मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। और आज एक विशेष और महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करना अति आवश्यक है, क्योंकि 10 तारीख को होली है और होली से पहले प्रशासन और पुलिस पूरी तरह तैयार हो चुकी है। यहां तक कि शांति समिति की बैठक हो रही है लगातार विभिन्न थानों पर। जिलाधिकारी और सिटी एसपी ने भी शांति समिति की बैठक की है। इसके अलावा जिलाधिकारी ने ऑडिटोरियम में जनप्रतिनिधियों से भी मिलकर शराब माफियाओं, शराब कारोबारियों के साथ उपद्रवियों पर भी नजर रखने की बात की है। अब सवाल यह है, प्रशासनिक सतर्कता के बावजूद अगर कहीं कोई छोटी सी भी घटना घट जाती है तो उसका जवाबदेह कौन होता है? आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और आप लोग निश्चित तौर पर हमारे इस कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण है। अब जरा सवाल यह है कि दरभंगा के विभिन्न थाना क्षेत्र में जब शांति समिति की बैठक होती है, शांति समिति के सभी सदस्य बड़े बड़े बातें थाना प्रभारी और डीएसपी के समक्ष बोलते हैं, तो फिर उन उपद्रवियों और शराब कारोबारियों की लिस्ट क्यों नहीं सौंपते? हालांकि दरभंगा एसएसपी ने अपने स्तर से जब जनसंपर्क अभियान चलाया तो कई ऐसे शराब माफियाओं, शराब कारोबारियों के साथ उपद्रवियों के भी नाम आए जो एसएसपी के डायरी में दर्ज हो चुके। इसके अलावा कई जगह छापेमारी भी है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं और बताना भी चाहते हैं कि अगर शांतिपूर्वक माहौल में पर्व को संपन्न करना है तो आपकी भी जिम्मेवारी शांति समिति के सदस्यों से अधिक हो गई है कि आप सीधा पुलिस को संपर्क कर बताएं और टीवी स्क्रीन पर जो नाम चल रहा है उसको बताएं। देखिए एक विशेष रिपोर्ट। दरभंगा में होली पर्व को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस काफी सतर्क नजर आ रही है। गौरतलब है कि होली में शराब की बड़ी खेप दरभंगा में आने की सूचना के बाद से ही दरभंगा पुलिस हाई अलर्ट पर है। गौरतलब है कि शराब के जरिए ही दरभंगा में होली के दरमियान उपद्रव और सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में असामाजिक तत्वों के साथ शराब कारोबारियों पर अंकुश लगाना काफी आवश्यक हो जाता है। दरभंगा डीएम ने इस संबंध में मेडिकल ऑडिटोरियम में जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। इसमें सबों को अपने आसपास के क्षेत्र में शराब कारोबारियों की सूचना पुलिस तक पहुंचाकर होली के आनंद को भंग करने वालों पर अंकुश लगाने की बात की है। वहीं दूसरी तरफ मौजूद जनप्रतिनिधियों ने भी दरभंगा डीएम को स्थानीय पुलिस की शिथिलता पर आरोप लगाते हुए शराब कारोबारियों के मनोबल को बढ़ाना एक लापरवाही बताया। बैठक जिला समारोह महोदय की अध्यक्षता में 5 तारीख को हुई। उसमें बहुत वातावरण में जैसे हर वर्ष होली मनाई जाती है उसमें मनाई जाएगी। जहां तक बात रहा कि किसी तरह के असामाजिक तत्व द्वारा कोई घटना को अंजाम नहीं दे, इसके लिए शांति समिति के सदस्य ने स्वर किया है कि सर हम लोग अपना सम्मत के रात में और ये रहेंगे, जिसमें प्रशासनिक पदाधिकारी का भी सहयोग चाहिए, जिसमें एसपी महोदय ने कहें कि जहाँ भी होगा और वहाँ मैं अपना रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर रहेगा, थाना प्रभारी रात में भी अपना पेट्रोलिंग करेंगे, सम्मति भी रहते हैं। खासकर 2-3 जगह इस वर्ष से सिस्टम कुछ अभी धरना प्रदर्शन हो रहा है, जहाँ पर जो इसको विशेष कर ध्यान दिया गया, वैसे लोगों से कुछ लोगों को प्रस्ताव आया जिसमें मेरी की उन लोगों से बात किया जाए। बातचीत कर कम से कम 3 रोज जो होली का है जो स्थल है धरना का उसको खाली करे। हम बता दें दरभंगा में लगातार विभिन्न थाना क्षेत्र के अंतर्गत शराब कारोबारियों के अलावा जो डोर टू डोर डिलीवरी करने वाले हैं, इसके अलावा शराब माफिया जो डीलर है उन पर पुलिस की निगाहें रहती हैं, पुलिस की जीप भी घूमती है स्थानीय पुलिस की, लेकिन ऐसे लोग बेखौफ होकर के घूमते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि कोई न कोई थाना का सदस्य इन शराब माफियाओं, शराब कारोबारियों के संपर्क में रहता है और वो समय पर सूचना उन्हें देता है। इसी वजह से आज तक जल्दी गिरफ्तारियां भी नहीं होती और इसकी खुलकर शिकायत करने वाले लोगों ने एसएसपी के समक्ष स्थानीय थाना के विषय में बताया कि अगर थाना प्रभारी चाहे तो शराब नहीं बिक सकती क्षेत्र में, लेकिन शराब बिकती है और लोग शराब माफियाओं के खिलाफ नाम देने से या बोलने से डरते हैं, क्योंकि आजकल शराब माफियाओं के द्वारा बंदूक, पिस्टल, छुरा के साथ घुमा जाता है ताकि कोई
उनका नाम ना खुले। और देखो तरीके से विभिन्न थाना क्षेत्र के अंदर शराब बेचे जाते हैं, तो आखिर ऐसा क्यों होता है? लेकिन दरभंगा एसएसपी के निर्देश पर जो सीआईजी टीम और हंटर डॉग कार्य कर रहा है वो निश्चित तौर पर एक संदेश देता है और शराब कारोबारियों को छापेमारी के तहत गिरफ्तार करता है। और सबसे अहम बात यह है कि ये जो छापेमारी और शराब जब्त किए जाते हैं वो स्थानीय लोगों के द्वारा एसएसपी को गुप्त सूचना दी जाती है, उसके आधार पर ये टीम कार्य करती है और टीम को सफलता भी मिलती है। तो ये सोचना अति आवश्यक है कि सीआईजी टीम के श्री मुनि जी को जब एसएसपी सीटीएसपी डीएसपी के द्वारा सूचना दी जाती है या स्थानीय लोगों के द्वारा तब वो छापेमारी करते हैं, तो क्या स्थानीय थाना नहीं कर सकती है? अगर स्थानीय थाना गंभीर हो जाए और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करे और एक दहशत का माहौल पैदा करे तो न उपद्रवी और न शराब कारोबारी ही उस क्षेत्र में कार्य कर पाएंगे। इस तरह शांतिपूर्ण माहौल में पर्व भी संपन्न हो जाएगा और लोगों के बीच जो ऐसे शराब कारोबारी का खौफ है वो भी समाप्त हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय थाना के द्वारा अपने क्षेत्र में शराब कारोबारी एवं उपद्रवियों के लिस्ट और सूचना पर कार्रवाई नहीं करने के खिलाफ आम जनता में आक्रोश है, तो वहीं दूसरी तरफ दरभंगा एसएसपी के निर्देश पर सीआईटी टीम लगातार आम जनता की सूचना पर छापेमारी कर शराब कारोबारियों के कमर को तोड़ रही है। कई जगह सीआईटी टीम ने छापेमारी कर शराब कारोबारियों के साथ शराब को भी जब्त किया है। दरभंगा की सीआईटी टीम शिव मुनि प्रसाद के नेतृत्व में सुबह और देर रात तक छापेमारी अभियान हंटर डॉग के साथ कर रही है, जिससे पुलिस को न सिर्फ कामयाबी मिल रही है बल्कि शराब कारोबारियों के बीच खौफ पैदा हो गया है। अब जरूरत है आम जनता को सही समय पर अपने क्षेत्र के शराब कारोबारी एवं पदरियों की सूचना पुलिस तक पहुंचाने की। सरकार का तो सही कदम था, शराबबंदी जो हुआ इससे देश में अपराध भी कम हुई, दुर्घटना भी एक्सीडेंट की दुर्घटना में भी कमी आई। लेकिन ये केवल हम सरकार के भरोसे छोड़ दे, जिला प्रशासन के भरोसे छोड़ दे, जिला प्रशासन जो कर रही है हमेशा छापामारी चल रही है, रोज पेपर में मिल रहा है वहाँ शराब मिला वहाँ शराब मिला, और शराब तस्कर इतनी बड़ा मात्रा में फैला हुआ है कि उसको पकड़ना जब तक समाज का सहयोग नहीं मिलेगा, आपस समाज का जब तक सहयोग नहीं मिलेगा तब तक इसकी पूरी सफाया नहीं की जा सकती है। प्रशासन को जो करना था वो प्रशासन कर रही है, जनता समाज जब तक इनके से सहयोग सरकार को नहीं करेगा कि फंडा भी मंगा रहा है फंडा नहीं भी मंगा रहा है, जो कि एसएसपी साहब के द्वारा भी कहा गया कि जो शराब माफिया के बारे में बताएगा उसको गुप्त सूचना रखी जाएगी, और उस माध्यम से भी हमको लग रहा है कि जितना तेजी से शराब पकड़ाया जा रहा है रोज उस हिसाब से लग रहा है कि गुप्त सूचना बड़ी पुलिस अधीक्षक को मिल रही है जिसके कारण कार्रवाई की जा रही है, बड़े मात्रा में शराब मिल रही है। हम बता दें कि पहले एक पर्व हुआ करता था जिसमें काफी शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में लोग पर्व मनाते थे, लेकिन अब उपद्रवियों की वजह से लोग पर्व मनाने से भी डरने लगे हैं, खासकर सड़कों पर आने जाने से डरने लगे हैं, एक दूसरे को रंग लगाने से भी डरते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का डर होता है कि सामने वाला अगर विपरीत स्थिति में रहे तो उसे अबीर या रंग लगाने से एक सांप्रदायिक माहौल कायम हो जाएगा और लोग एक दूसरे के साथ लड़ने झगड़ने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में अब लोग पर भी संभल कर खेलते हैं क्योंकि कुछ उपद्रवी हावी होते हैं। और सबसे अहम सवाल हम शांति समिति के सदस्यों से पूछना चाहते हैं कि जिला प्रशासन के समक्ष बैठक में तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन क्या आपकी नैतिक दायित्व नहीं है कि आप अपने अपने क्षेत्र के शराब माफिया शराब कारोबारियों एवं उपद्रवियों की गुप्त लिस्ट पुलिस को सौंपे ताकि पुलिस अपने स्तर से कार्रवाई करे? लेकिन यह संभव नहीं हो पाता है। जब घटना घट जाती है तो यही शांति समिति के सदस्य सीधा वहां पहुंचकर स्थल पर कहते हैं कि हमने शांति स्थापित करवा दी, लेकिन घटना के बाद क्या घटना से पहले उनकी भूमिका नहीं होती? क्या वो ऐसे उपद्रवी को नहीं जानते हैं? क्या स्थानीय थाना की भूमिका को नहीं जानते हैं? क्या वो बड़े पदाधिकारियों के पास बैठकर इस मुद्दे को नहीं ला सकते हैं? ये बहुत अहम सवाल है। हम ये कहना चाहते हैं कि आजकल कई से शांति समिति सदस्य हैं जो जमीन के कारोबारियों शराब माफियाओं की वकालत तक करते हैं थाना पर। ये बात थाना प्रभारी भी कई बार गुपचुप तरीके से बोलते हैं कि अगर कहीं जमीन का झगड़ा हो तो उस क्षेत्र के शांति समिति के सदस्य का दखल देना अति आवश्यक हो जाता है और शांति समिति के सदस्य वहां पहुंचकर दखल देते हैं, लेकिन उस क्षेत्र के शराब कारोबारियों एवं उपद्रवियों भूमाफियाओं के नाम नहीं बताते हैं क्योंकि उन्हें किसी न किसी रूप में स्वार्थ प्रतीत होता है।
तो इस बार होली शांतिपूर्वक बिताने के लिए और बनाने के लिए आपका भी दायित्व है और आप शांतिपूर्वक तरीके से ऐसे उपद्रवियों का नाम तैयार करें और SSP या CGSP के मोबाइल नंबर पर जरूर प्रेषित करें ताकि तुरंत ऐसे उपद्रवियों को पुलिस गिरफ्तार करे और शराब माफियाओं और शराब कारोबारियों को पुलिस अपने कब्जे में ले सके। दरभंगा में 10 मार्च को होली पर्व को देखते हुए कई थाने में शांति समिति की बैठक प्रारंभ हो गई है। इसके अलावा कई जगह होली मिलन समारोह का भी आयोजन किया जाता है ताकि सांप्रदायिक सद्भावना एवं भाईचारा बनी रहे, लेकिन इसी का फायदा उठाते हुए कई थाना क्षेत्र में उपद्रवी कोई करतूत न कर ले इसके लिए पुलिस और स्थानीय थाना को विशेष निर्देश भी दिया गया है ताकि वह नजर रखें एवं ऐसे उपद्रवी तत्वों को शीघ्र गिरफ्तार करें। दरभंगा में होली शांति पूर्वक संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन के साथ जिला पुलिस भी काफी सतर्क हो गई है और ऐसे में आम जनता का सहयोग काफी आवश्यक होता है। मिथिलावंश न्यूज पर लगातार देखते रहे दरभंगा के विभिन्न क्षेत्रों पर पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई का बड़ा कवरेज। ब्यूरो रिपोर्ट, मिथिलावंश न्यूज, दरभंगा। जागरूकता, सरकार का भी विज्ञापन चल रहा है, समाज का भी विज्ञापन चल रहा है, स्कूल के बच्चे भी कर रहे हैं, लेकिन पीने वाला आदमी तो चोरी छिपे कहीं ना कहीं, क्योंकि दूसरे राज्य में मिल रहा है, बगल में मेरा नेपाल है, बगल में बंगाल बॉर्डर है, बगल में UP बॉर्डर है, तो उस बॉर्डर के द्वारा आ रहा है, लेकिन जब तक अपने आप में जागरूकता नहीं लाएगा, समाज का जो काम है, समाज कितना डर से भी नहीं बोलता है, कितना आदमी समझ रहा है कि हमारे सामने वाला मंगाता है, पी रहा है, लेकिन समाज डर से नहीं बोलता है कि उससे दुश्मनी क्यों लेगी। लेकिन ये पहल जितनी तेजी से चलनी चाहिए उस तेजी से चल रही है, इन दिनों दिख रही है, लेकिन इस पर कोई बड़ा कानून नहीं है। कि जो एक सबसे दुखद बात इस बात का होता है कि आदमी एक बार पकड़ाता है, ठीक है, सजा उसकी होती है, 5 दिन 7 दिन 10 दिन में कोर्ट से बाहर हो जाता, जो आदमी पुनः 2 बार 3 बार लगातार पकड़ाया जा रहा है उस व्यक्ति के ऊपर कड़ी से कड़ी सजा दी। पर जो दारू जो असामाजिक तत्व द्वारा जो बेचते हैं और माहौल गंदा होती है उस पर विशेष निगरानी रखा जाएगी, उस पर विशेष दिन में पुलिस प्रशासन को कहा गया जो जिसके एरिया में पड़ता है वो चौकस रहेंगे, अपने अपने स्थिति को देखेंगे, किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हो, इसमें समाज के तरफ से शांति समिति के सदस्य जनप्रतिनिधि भी उसको ध्यान रखेंगे, जरूरत पड़ेगा तो प्रशासनिक पदाधिकारी को खबर करेंगे, यही बात तो होगी। इस पर अभी आपने देखा एक बड़ी खबर और हमारा मिशन यही है कि आपका पर्व शांतिपूर्वक संपन्न हो जाए और हिंदू मुस्लिम भाईचारा एकता के साथ होली मिलन समारोह जैसे मनाते हो मनाए, क्योंकि सांप्रदायिक माहौल अगर बिगड़ता है तो बिगाड़ने के पीछे वो शख्स शामिल होते हैं जो उपद्रवी होते हैं, जिनका स्वार्थ सिद्ध ये होता है कि हिंदू मुस्लिम कोई लड़े और उनका स्वार्थ सिद्ध हो। ऐसे में जब आपके क्षेत्र की कोई जमीन का विवाद होता है तो वहां हिंदू मुस्लिम कराने का प्रयास किया जाता है, ऐसे समय में जब आपके क्षेत्र का कोई जन समस्या का मुद्दा होता है तो ऐसे में हिंदू मुस्लिम का प्रयास किया जाता है, ऐसे लोगों से आप रहे सावधान। और जब भी इसकी बात और आपको भनक लगे तुरंत ही आप वरीय अधिकारियों और स्थानीय थाना को सूचना दें ताकि उससे पहले ही, घटना से पहले ही समाज के लोग, शांति प्रिय लोग और पुलिस उसको रोक सके। ये आपका भी दायित्व है क्योंकि असामाजिक तत्वों से ज्यादा दायित्व तो आपका है, असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन मीडिया और आप सांप्रदायिक माहौल और तनाव को दूर करने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे बीच जो भाईचारा है वो लगातार बरकरार रहे। दिल्ली के हिंसा से सबक सीखिए और खासकर वैसे युवाओं से आप संपर्क करिए जो नशा में मग्न रहते हैं, क्योंकि जो उपद्रवी हैं उन्हीं का सहारा लेते हैं। ये जो सुई इंजेक्शन ड्रग्स की जो युवा हैं वो लिए लेकर भावनाओं को भड़काते हैं, मारपीट करते हैं, क्योंकि उन्हें उस समय इंजेक्शन और ड्रग्स लेने के बाद सही और गलत का कुछ ज्ञान नहीं होता है और यही उपद्रव मचाकर सांप्रदायिक महत्व बिगाड़ते हैं। तो आप ऐसे लोगों को निश्चित तौर पर सुधारने का प्रयास करें या फिर गुपचुप तरीके से पुलिस और प्रशासन को सूचना दें ताकि इस तरह की कोई घटना ना घट सके। तो मिथिलावंश न्यूज लगातार दरभंगा में और बेहतर कार्य करने के लिए अपने अपने तरीके से और आम जनता का सहयोग लेकर हम चाहते हैं कि सांप्रदायिक माहौल भी कायम रहे और फिर शराब कारोबारी उपद्रवी आपके परिवार आपके बच्चों तक छू भी नहीं पाए। देखते रहे मिथिलावंश न्यूज और यूट्यूब में भी मिथिलावंश न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी इस खबर को देख सके। मिथिलावंश न्यूज के टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, आप इस पर तुरंत वीडियो भेजें, संपर्क करें,
फोन करें, व्हाट्सएप करें, ताकि हम आपकी मदद के लिए आ सकें। धन्यवाद।